आज का दिन मेरा और हर्ष का मुंबई पुलिस के लिए। मुंबई पुलिस के लिए सरदार तालियां। मैंने आपका नमक खाया है। I love you. हर्ष पोचा मार दे बच्चे नाल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। बाबू आ जाता है। नहीं 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 करना है ये चीजें। सेम कपड़े लग रहे दोनों के। हर्ष तेरा सर फोड़ देगा। पिछले एक घंटे से फ्राई पैन लेके खेल रहा है। हर्ष क्या कर रहा है यार? ये बोल रहा है मेरे को ये कर। हर्ष पोछा मार दे बच्चे नाल। हर्ष, अरे यार ले गया बाहर, देखो निकला, दिखा आपको थोड़ा सा। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो यार, लाइफ ऑफ लिम्बाचिया, जहाँ रोज ये आती है और अपनी ही बातें बताती है, मुझे व्लॉग में नहीं लाती है और फिर मुझे ही कोसती है कि व्लॉग में क्यों नहीं आता, व्लॉग में क्यों नहीं आता। अरे लेगी तो आएगा ना भाई। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। क्या शायरी तुमने सेट की हुई थी? जो शायरी नहीं है, ये मेरा ब्रेथलेस है। कहाँ से चले थे, नीचे पहुँचने वाले है और कुछ बात नहीं की मैंने इसकी। देखा 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 कितनी खुश। मैंने दबाया नहीं था पीवन। मैंने पीवन ही दबाया। So guys, मैं कह रही थी कि आज जो भी है भारती, अरे आज का दिन है हमारा मुंबई पुलिस के नाम। So मैंने कहा था आज का दिन हमारा मुंबई पुलिस के नाम है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? अरुण जाधव। अरुण जाधव जी आए हैं हमें रिसीव करने और लेके जाएंगे हमें जियो गार्डन, जहाँ हो रहा है उमंग। चले सर। So मैं एक मिनट यार आवाज कम कर दो। So बता नहीं पाई ज्यादा क्योंकि लिफ्ट खुल गई थी। तो आज मैं और हर्ष होस्ट कर रहे हैं मुंबई पुलिस के लिए शो, जिसका नाम है उमंग। उमंग 2023 लास्ट ईयर भी हमने किया था। हमको बहुत मजा आया था यार। ये तो कोई नई बात नहीं है सच में। सारे सेलिब्रिटीज आते हैं वहाँ पर, सारे स्टार्स। तो आज बहुत सारे लोग आएंगे, इतना वीडियो तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन बैक स्टेज जो भी होंगे उनके साथ कोशिश करूंगी कि व्लॉग बना सकूं, बातें करें, मजा करें, क्योंकि दिमाग कहीं और लगाना पड़ेगा वरना टांगे तो भैया मुझे लगता मैं एंडेड में ऐसे ऐसे वाला। बहुत अच्छा लगता है यार, मुंबई पुलिस भी बैकस्टेज हमारे साथ होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं स्टेज पे, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो पूरा साल ही वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, दिन त्योहार जब भी हो एक दिन मिलता है उनकी सेवा करने का। तो आज का दिन मेरा और हर्ष का मुंबई पुलिस के नाम। ठीक है पांडे जी? ठीक है मैं। और कुछ? बस बढ़िया। चाय मत मांगना जाके उधर, पुलिस का शो है। ये ना हो कि पुलिस वाले से कह रहे हो चाय हो, चाय नहीं है वहाँ पर है, ऐसे मत करना। तो चलिए हम पहुँच गए हैं नहाकर, सिर्फ तैयार हो, वहाँ अंदर जाके होएंगे। बहुत ज्यादा पुलिस है, वो डर भी लग रहा है बट वो स्माइल दे रहे हैं क्योंकि उन्हीं का शो है आज। सो हर्ष एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड। कितनी वैंस लगी है पांडे जी, ये मूछ कटवा रहा है दोस्तों, और अगर मैं इस वैनिटी में जंप करूं तो फिर शाकिर बोलेगा, ओ सॉरी राशिद बोलेगा सर मुझ कट गई, आप की आती मुझ कट गई। अरे नहीं नहीं भाई, ध्यान से कर, कहीं कट ना जाए, सर कट गई। सो गाइस, आज हम मुंबई पुलिस के लिए आए हैं इवेंट होस्ट करने। रॉकी ने मेरा वेलकम किया मेरी बैंड के बाहर। सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है क्योंकि मैं शो की होस्ट हूँ। हर्ष की वैन के बाहर ना एक पुलिस ना एक रॉकी, कोई नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उसको कुछ नहीं होगा मेरे लिए। देखो, और ये रॉकी के मास्टर है। आज पुलिस का शो है, आज पुलिस को बोल भी नहीं सकते कि थके हैं, फ्रेश है सर, करेंगे। खुशी रहते हैं हम सब। आज सारी मम्मी चाचा इधर आई है साथ में, चाय तो होनी चाहिए। पुलिस के सामने ये बंदा खुद फोटो खींच रहा है और पुलिस को कह रहा है बात। मैं आज खुद का कैमरामैन लाई हूँ जो शूट करेंगे और मैं खाली हाथ चलूंगी। मैम पर्स तो हटा दो, मतलब शूट कर रहे हैं। ये अपने ब्लॉग का पंगा है भाई, ऐसा ही है हमेशा कि घर में कुछ अच्छी बात बताओ तो कुत्ता बोल पड़ता है या बच्चा रो पड़ता है या पति आवाज दे देता है, कुकर की सीटी बज जाती है,
या बेल बज जाती है और यहाँ पे बैग तो हटा लो, सब लोगों ने हटा लिया सुसु। हाँ यार ये सही कहा इसने, बैग तो हटा लो, अच्छा शूट हो। चलो अभी यार पता नहीं वो कौन सी लड़की होती जो ऐसे करती है और ऐसे कर लेती है और बाल सेट हो जाते हैं। इधर देखो पुलिस का शो है आज, सब डरे हुए हैं इसे। जया है कुछ नहीं, मैं महाराष्ट्र हूँ, मेरे मैंने डरता हूँ। तुम? मैं किसी से नहीं डरती। इधर पुलिस वाली आंटियां है ना, बाल को ऐसा मरोड़ती है और बोलती है उनको बोलूंगी आ जाओ हेयर स्टाइल बनाते, वो भी मान जाएंगे। एक चीज तो इसको कह के जाएंगे वो आज, क्या बदतमीज। तो यही है आज के उमंग की बैकबोन जो हमारे साथ खड़े रहेंगे। और मैं भाई पर हमारा उमंग टिका हुआ है सच में यार, आज बड़ी खुशी हो रही है, आज सारी पुलिस यहाँ पर। मैंने सारे नाम रोहित सर को दे दिए, हर्ष को दे दिए, जो बड़े बड़े, क्योंकि आपको ना बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं पता होते कि कौन है, नए लोग आते हैं उनके रैंक्स, कुछ बोलने में गलती हो जाए तो इससे अच्छा कि बोलो ही मत, जिनको आते अच्छे से उनसे बुलवाओ। आदि हो गए, आदि गाइस ये नोट करो प्लीज, दोबारा बोलो बजट ज्यादा हो गया और भारती कम हो गए। मैं कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँ, चलते शो में आप अपने पति के गुर्दे में मुक्का मार सकते हैं सर, उसके लिए कोई सजा तो नहीं है? कोई सजा नहीं है, हर आदमी यहाँ पर एक कोई ना कोई पति है, वो भी एक पति है। तो तू पति है ना ये है, फिर ये है, फिर ये है। नो 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 नो, ये है, ये होना है, इसका मतलब मैं जाती हूँ सर, तैयार होती है और साथ साथ में पढ़ती हूँ। चलिए जी रेडी होने जा रहे हैं, चलते हैं, डर बहुत लग रहा है। स्क्रिप्ट इतनी मोटी है ना कि जब घर खरीदो ना उसके पेपर भी कम होते हैं। मैं जब बोलती हूँ कुछ ना कुछ कोई कर ही देता है। मैं अभी तैयार हो रही हूँ, हर्ष रेडी हो गया है, हर्ष का ओपनिंग है शो की। तू जा मेरे शेर, छा जा। सलमान खान भी आ रहे हैं, बात हुई है अभी। आए नी गांव का बच्चा जो बता के जाता ना अपनी मम्मी को, सलमान खान आवे छे। तो अभी फाइनली तैयार है, बस माइक लग जाए। लगा इन ईयर और माइक है। रोहित सर आ रहे हैं बस। एक बार मुंबई पुलिस के लिए जोरदार तालियां। पैर की तो आठ ही लग गई है और अभी तक तो आठ ही बजे हैं। हालत खराब हो रखी है लेकिन रोहित सर और हर्ष श्री गणेश कर आए हैं। जहाँ पे डांट पड़नी थी और डर वाला चीज था ना, मैंने इनसे करवा लिया। रोहित सर को सबके नाम पता है, उन्होंने तो फटफट बोल दिए, मेरा होता तो केस हो जाता। मौत का इंतजार। सलमान खान आपके कैसा लगा दोस्तों? सरदार मैंने आपका नमक खाया है। कैसी हो पलक? मेरी फ्रेंड बन गई ये बच्ची थी यार, ये कितनी हॉट हो गई और हम वैसे के वैसे ही रह गए। मम्मी को हाय कहना। ना ना ना। अभी तो सिर्फ गा के जा रहे हो? गा के जा रहे आग लगा के मैं सड़क पे चले 10-12 लड़के मारे थे। हम इतना थक चुके हैं कि पता नहीं पा रहे इसकी आवाज बंद हो गई। मेरी आवाज है, पैर काम नहीं कर रहा है, आवाज काम कर रही है। हमको ऐसे लगा हमारे पैर किसी ने काट दिए, लेकिन आज का
दिन दिल से मुंबई पुलिस के नाम और आ चुके हैं रोहित शेट्टी। ये अदरक वाली चाय। ये लड़की इतनी पागल है, इसने बड़े बड़े ऑफिसर्स थे स्टेज पे और इसने बोला अदरक वाली चाय माइक में, उन्होंने माइक ही बंद कर दिया क्योंकि जब टाइम 2:30 बज जाए तो आर्टिस्ट क्या मांगेगा, अदरक वाली चाय। बेटा बाय 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 बिग बॉस में। सो गाइस बाय इनको कहा है लेकिन बाय हुआ नहीं, और मेरा पति पुलिस का शो है फिर भी मुझे छोड़ के चला गया है, किधर है पति। सो गाइस ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है यार, मेरे साथ 3-4 लोगों ने फोटो खिंचवाए और हर्ष को पूरे लोगों ने घेरा हुआ है, कहीं हर्ष मुझसे ज्यादा बड़ा स्टार तो नहीं बन रहा। अभी स्टारडम खत्म करती हूँ आके साथ। कैमरा कैमरा आप उनका 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 एंट्री लीजिए सर। और ये आ गए रणवीर सिंह। आइए सर, आइए रणवीर सिंह। 20 minutes later. So, आज मैं अमीर थी क्योंकि आज मेरे पास कैमरामैन था और आज मैं फोन से व्लॉग नहीं बनाया। बड़ा अच्छा लगा यार, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो मुंबई के कमिश्नर है वो हमसे स्टेज पे मिलने आए और उन्होंने मुझे और हर्ष को अप्रिशिएट किया और बोला कि आपने बहुत अच्छा समा बांधा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुंबई कमिश्नर हमको मतलब इतना अच्छा अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू मुंबई पुलिस, आप हैं तो हम हैं क्योंकि हम सब दूसरे शहरों से आए हैं लेकिन आप लोग हमारी इतने अच्छे से हिफाजत कर रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ लव, और चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कैमरे से शूट करवाती हूँ, अब तो सब्सक्राइब कर लो। और इतना थक चुके हैं कि बाय ऐसा क्या लिख क्या तुम मुझे कोई पानी पी है।